अब ध्यान से देखो, पहले लेते हैं ए बी। ए बी का मेजरमेंट होगा ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी। ए बी इज़ हाउ मच, तो ए बी दिया हुआ है 18 मीटर, 18 मीटर। ए ई दिया हुआ है x, और ई बी विल बी हाउ मच, जितना 7 है उतना ये भी होगा, तो दिस विल बी 7 मीटर। देखो x विल बी 18 माइनस 7, एक्स इज हाउ मच 11। क्लियर? सो इन ट्राइंगल ए ई डी, ए डी इज़ हाउ मच 22 दिया हुआ है, वायर का लेंथ है ये, और ए टू ई हमने कैलकुलेट किया कितना है 11। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर हाइपोटेनियस है और परपेंडिकुलर है तो रिलेशन किसका आता है? साइन थीटा का। तो साइन थीटा इज व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा तो हमें मालूम नहीं है, इसलिए मैंने थीटा एज इट इज लिखा। परपेंडिकुलर इज हाउ मच 11, हाइपोटेनियस इज हाउ मच 22, दैट इज हाफ। तो साइन हाफ कब आता है? तो लिखोगे साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, साइन सेंटीग्रेड कैंसिल, थीटा इक्वल्स टू हाउ मच 30 डिग्री।